गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव और आज एक नए एडिटोरियल के सेशन के साथ मैं आपके सामने या आपके लिए प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो सेशन शुरू होता है वो कोर्स से है और जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी। बच्चों फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। यानी ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको कि जो आपकी फेलियर है ना, ये जो असफलता है आपके बच्चों, इज द अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए वास्तव में एक अवसर है टू बिगिन, कि आप शुरुआत करें अगेन पुनः मोर इंटेलिजेंटली और अधिक बुद्धिमानी के साथ। यानी दूसरी भाषा में कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहां कमी रह गई है, इस चीज को फिर से इस पर वार करो। मेरी भाषा बच्चों, यानी आप ये पहचाने कि अगर हम कहीं असफल हो रहे हैं तो असफल होने की वजह क्या है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं, तो फिर उस असफलता को समझें हम और उसे बेहतर करने की कोशिश करें ताकि अगली बार फिर वो कमी हम न दोहराएं। तो फिर से यानी अगर कभी भी असफल हो बच्चों, फेलियर का सामना करना पड़े, तो आप इसे एक अवसर के रूप में लें कि टू बिगिन अगेन, कि हमको फिर से शुरुआत करनी है मोर इंटेलिजेंटली और अधिक बुद्धिमानी के साथ। एक लाइन में अगर हम कहें तो कभी भी निराश ना हो अपनी असफलता से लेकर के, असफलता को लेकर के, क्योंकि असफलता वास्तव में सफलता का एक स्तंभ है, क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफल होने का भी आपको बेहतर मजा आनंद नहीं आना है। ठीक है, तो असफल होने को लेकर बहुत चिंतित ना हो, अपने मन पर अपनी असफलता को कभी हावी न होने दें और हमेशा याद रखें गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट सेशन मेरा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे, ये मैंने रिपीटेड वर्ड्स डाले बच्चों। ये रिपीटेड वर्ड्स आपके पास हैं जो अब तक आपने क्या किए हैं, पढ़े हैं, अर्थात अब तक जो वर्ड्स आपने जाने हैं वो सारे वर्ड्स मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं, जिन वर्ड्स के थ्रू आप चाहें तो आजमा सकते हैं कि क्या आपने जो वर्ड्स पढ़े वो तैयार कर लिया आपने। ये रिपीटेड वर्ड्स का सेक्शन समझिएगा बच्चों, ये डालने की वजह है, यानी ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं तो इस एडिटोरियल में ये वर्ड्स फिर से आपको दिए गए। यानी इम्पोज आप देख लीजिएगा, याद अगर आपको होगा, थोपना होता है कोई चीज, रेस्ट्रिक्शन जानते हैं प्रतिबंध होता है, मैंडेट अधिकार को कहते हैं जो किसी को दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान है, स्टार्क कोई चीज़ कठोर, कठोरता से भरी हुई, बहुत अधिक घोर अगर कोई चीज़ है तो स्टार्क है, मेजर यहाँ पे उपाय के सेंस में नाउन के रूप में, कंसीडरेशन किसी चीज़ पर आपका विचार, आपकी सोच, अप्रोच आपका दृष्टिकोण, एडहियर टू मैंने अभी कल ही पढ़ाया था, किसी चीज़ को फॉलो करना, जब आप किसी के प्रति अपनी लॉयल्टी शो करते हैं, किसी बिलीफ या किसी पोजीशन के प्रति अपनी वफादारी शो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो आप एडहियर टू करते हैं, कम्युनिकेशन आप जानते हैं संवाद को कहते हैं, इन द वेक ऑफ आपने पहले पढ़ा था, इन द वेक ऑफ मीन्स परिणाम स्वरूप होता है, डायरेक्टेड डायरेक्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, निर्देश देना, कन्वीनियंट आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुविधाजनक जो चीज़ें होती हैं वो कन्वीनियंट होती हैं, ग्लोबल आप पढ़ चुके हैं मीन्स वैश्विक दुनिया भर से संबंधित, पैंडेमिक भी आपने पढ़ लिया है मीन्स जो महामारी होती है पेस्टिलेंस होता है, कर्ब्स आप याद हो गया होगा आपको जो नियंत्रण या लगाम या प्रतिबंध होते हैं वो कर्ब्स हैं आपके लिए, स्पाइक याद होगा शायद आपको कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था मीन्स उछाल किसी चीज़ में जो हल्की बढ़ोतरी होती है वो स्पाइक होता है, इंसिडेंट नॉर्मल वर्ड है मीन्स घटना, एनकाउंटर भी नॉर्मल होना चाहिए, आमना सामना होना, और टेक इनटू अकाउंट किसी चीज को संज्ञान में लेना बच्चों। ठीक है, यानी वर्ड्स देने की वजह क्या है आपको ये बताना कि हर एडिटोरियल जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जहां आप अपने आप से कह सकेंगे कि हाँ ये वर्ड्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दिया रिपीटेड वर्ड्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वोकैब का सेक्शन आपके सामने है, आप जैसा देख सकते हैं आप ये एक एक आपके पॉइंट्स आपको दिए गए जिसमें दो तीन दो दो तीन तीन चार चार वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और ये पहले वर्ड्स हमारे हैं। पहला है इनडेलिकेट। इनडेलिकेट आप जानते हैं डेलिकेट का एंटोनिम है। डेलिकेट क्या होता है, जब आपका किसी के साथ व्यवहार जो है
बहुत कोमलता भरा हो तो आपका बिहेवियर जो होता है वो डेलिकेट होता है। तो इनडेलिकेट क्या हो जाएगा? रूखा, मीन्स खराब व्यवहार जो होता है, बेकार व्यवहार जो होता है वो इनडेलिकेट होता है। मीन्स हैविंग और शोविंग अ लैक ऑफ सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जब आप किसी के प्रति भावनात्मक समझ नहीं प्रदर्शित करते हैं तो आपका व्यवहार इनडेलिकेट होता है, अर्थात आपका व्यवहार इनसेंसिटिव होता है। जब भी बच्चों आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, रुखाई पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो फिर वो इनडेलिकेट होता है। आज मैंने एक और सेक्शन भी ऐसा दिया है जो जहां पे वर्ड्स आपको और आसान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अक्सर आप सुनते हैं, ज्यूडिशियल, मीन्स न्यायिक, नहीं कहते हैं, एक ज्यूडिशियल प्रोसीजर है, मीन्स क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो ज्यूडिशियल रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी जो न्यायिक प्रशासन से संबंधित होता है वो ज्यूडिशियल होता है, मीन्स लीगल है, कानूनी, ज्यूडिशरी है, न्याय से संबंधित, ऑफिशियल है, आधिकारिक। तो ज्यूडिशियल न्यायिक, मीन्स जब भी कहीं पर कोई ज्यूडिशियल प्रोसीजर चले तो आप समझ जाएं वो न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल अपान। अक्सर क्या होता है, जब आप कभी मुसीबत में होते हैं बच्चों, तो आप ईश्वर का आवाहन करते हैं, हे ईश्वर मेरी बात सुनो, मेरे कष्ट को दूर करो। तो आप ईश्वर को क्या कर रहे हैं बच्चों, आप ईश्वर को कॉल अपान कर रहे हैं, मीन्स उसका आवाहन कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, आप उसे इन्वोक कर रहे हैं, मीन्स आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आप उसे ऑब्लिगेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आर डिमांड कर रहे हैं समवन टू डू समथिंग, कि वो आए और आपका कोई कार्य करे। ईश्वर के सेंस में आप ये सब चीज़ें लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर को न तो आप ऑब्लिगेट कर सकते हैं, न ही ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ डिमांड कर सकते हैं, लेकिन डिमांड भी करने का अधिकार आपको नहीं। आप ईश्वर से बच्चों क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप, है ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रे कर सकते हैं, मीन्स प्रार्थना कर सकते हैं, यही ना। तो कॉल अपान जब भी आप किसी को करते हैं तो आप उसका आवाहन करते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो लोगों को कॉल अपान कर रही है, मीन्स उनसे क्या कर रही है, आवाहन कर रही है, सुनने को कह रही है, दिस इज कॉल अपान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास है बच्चों, ये आपके एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो आपका कार्य करने वाला होता है, मीन्स कार्यपालक होता है। जितनी कंपनियां होती हैं आप जानते हैं उनमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात वो कार्यपालक होते हैं, कार्य कराने वाले होते हैं। रिलेटिंग टू आर हैविंग द पावर टू पुट प्लान्स आर एक्शंस इन टू इफेक्ट, यानी ये वो लोग होते हैं जो किसी प्लान को या किसी एक्शन को इनटू इफेक्ट, प्रभाव में ले आते हैं, अर्थात ये अपनी कर्मचारियों से कहते हैं कि ये कार्य करना है, दिस इज एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक। मैंने फिर कहा हर कंपनी में बच्चों क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद हो ना, अक्सर आप सुनते होंगे वर्ड फला कंपनी के CEO, याद है आपको ना, तो आप इसका फुल फॉर्म शायद जानते होंगे। आप फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आई है ऑफिसर, इस पर अभी ठीक से मैं लिख नहीं पाता हूँ, जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वही CEO होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों ग्रीवांस, ठीक है, आपने पहले भी शुरू के एडिटोरियल्स में आपने पढ़ा था, फिर से दे दिया गया आपको। ग्रीवांस क्या होती है, एक शिकायत होती है। जब किसी के साथ भी आप कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं ना, यह है ना, देखिए अनफेयर ट्रीटमेंट, बुरा बर्ताव करते हैं, अर्थात गलत व्यवहार करते हैं, तो फिर वो जब उसकी शिकायत करता है तो वो उसकी क्या होती है, एक ग्रीवांश होती है, एक शिकायत होती है। शुरू में पहली बार जब मैंने ये वर्ड सुना था तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से ये वर्ड एक्चुअली बहुत बार सुना, जब वो अक्सर कहते थे यहाँ केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करी, हमारा साथ नहीं दे रही, ये हमारी ग्रीवांसेस हैं, ये मीन्स क्या है, हमारी ये शिकायतें हैं। तो ग्रीवांस क्या हो जाएगा, अ रियल आर इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट, यानी जब आप किसी की शिकायत करें, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, इस विशेष रूप से तब जब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया जा रहा हो तब, यानी ये क्या है, एक प्रकार का अनजस्टिस है, ये एक एट्रोसिटी है, मीन्स एक प्रकार का दुर्व्यवहार है।
तो ग्रीवांस मीन्स शिकायत। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कॉन्सोनेंस, कहीं भी सी ओ एन लगाए जानते होंगे साथ साथ से मतलब होता है, तो कॉन्सोनेंस मीन्स अनुरूपता। जब आप किसी के अनुरूप चल रहे हो तो आप में और उस व्यक्ति के बीच में क्या है एक प्रकार का कॉन्सोनेंस है, ठीक है, यानी एक एग्रीमेंट आर कंपेटेबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस आर एक्शंस, यानी दो लोगों की ओपिनियंस में या उनके एक्शंस में अगर कोई एग्रीमेंट हो या कंपेटिबिलिटी हो तो फिर वो क्या है एक प्रकार का कॉन्सोनेंस है, मीन्स एक प्रकार का कॉनकॉर्ड है, मीन्स एग्रीमेंट है, एक प्रकार का हार्मनी है, मीन्स सामंजस्य है, एक प्रकार का यूनिशन है, मीन्स एक रूपता है, तो कॉन्सोनेंस अनुरूपता, ठीक है। सबके बीच में एक प्रकार की क्या होनी चाहिए कॉन्सोनेंस होनी चाहिए, मीन्स एक प्रकार की अनुरूपता होनी चाहिए यदि कुछ बेहतर करना है तो। और बच्चों ये नेक्स्ट वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं और ये वर्ड्स आप देख लें, वर्ड्स हैं आपके पहले इनएविटेबल। आप बच्चों ज्यादातर बच्चे आपने जानते होंगे जो चीज अनअवॉइडेबल होती है, इनएस्केपेबल होती है, इनडिस्पेंसेबल होती है, इनवर्टिबल होती है, वो क्या होती है बच्चों इनएविटेबल होती है, मीन्स जो सर्टेन टू हैपन हो, यानी हर हाल में जो होना है वो क्या है इनएविटेबल है, मीन्स क्या है बच्चों वो अनुरूपता नहीं बच्चों, वो क्या है ये है निश्चित है, क्या है बच्चों निश्चित, जो हर हाल में होना हो वो क्या होगा आपका इनएविटेबल होगा, ठीक है, ये अनुरूपता पिछला वाला चलाया था। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन स्क्रूटिनाइज, ये वर्ड अगर मैं कही तो और इनएविटेबल को आपको समझा सकता हूं, जैसे कोई कहे मृत्यु जो है बच्चों डेथ जो है वो इनएविटेबल है, मीन्स मौत क्या है निश्चित है सर्टेन टू हैपन है, मीन्स मौत अनअवॉइडेबल है इनएस्केपेबल है इनडिस्पेंसेबल है, अर्थात उसे बचा नहीं जा सकता क्योंकि निश्चित है वो। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रूटिनाइज, याद होगा बच्चों जब आप 10th 12th में रहे होंगे या अभी भी अगर होंगे तो कभी कभी क्या होता था आपने बेहतर पेपर्स किए थे लेकिन आपके नंबर्स कम आ जाते थे, तो कोई आपको सजेस्ट करता था कि क्यों नहीं स्क्रूटनी करा लेते हो, ठीक है, क्यों नहीं स्क्रूटनी करा लेते हो, अर्थात क्यों नहीं जांच करा लेते हो कि तुम्हारे नंबर्स क्यों कम हो गए, दिस इज स्क्रूटनाइज करना, वर्ब के रूप में आपको है यहाँ पे, तो स्क्रूटनाइज मीन्स जांच करना किसी चीज का, तहकीकात करना कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हो गया, कहां से कमी रह गई कि ऐसा हो गया, दिस इज स्क्रूटनाइज मीन्स एग्जामिन आर इंस्पेक्ट क्लोजली, किसी चीज की गहनता से जांच करना, अर्थात इंस्पेक्ट करना जांच करना लुक ओवर करना ध्यान से देखना इन्वेस्टिगेट करना जांच पड़ताल करना प्रोव करना मीन्स जांच पड़ताल करना, वैसे लुक इनटू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो स्क्रूटिनाइज मीन्स जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ले डाउन, आपको याद होगा कुछ समय पहले आपने पढ़ा था, ले डाउन दो होता है बच्चों अगर आपको याद हो, एक होता है टू गिव अप या सरेंडर कर देना, मीन्स परिस्थितियों के आगे हार मान लेना जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्या हो गए सफल हो गए, क्यों सफल हो गए पता है क्योंकि उन्होंने कभी भी ले डाउन नहीं किया, मीन्स कभी गिव अप नहीं किया, बीच में अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, कभी सरेंडर नहीं किया, मीन्स कभी हार नहीं माने। लेकिन ले डाउन का एक दूसरा भी अर्थ होता है, कोई नियम कोई कानून जब आप इस्टैब्लिश करते हैं स्थापित करते हैं प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो भी ले डाउन होता है, तो पहले के अर्थ में हार मान लेना और दूसरे के अर्थ में स्थापित करना, तो ले डाउन जिंदगी में कभी भी ले डाउन न करें आप, और दूसरा जिंदगी में हमेशा चीज़ों को ले डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। लास्ट वर्ड आपका शायद है एब्रोगेशन, एब्रोगेशन बच्चों आप समझते होंगे इस वर्ड से बना है, जो इसकी वर्ब रही होगी आप समझते होंगे ये वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट क्या होता है किसी नियम कोई कानून है कोई अधिकार है कोई समझौता हुआ है उसे क्या कर देना एब्रोगेट कर देना उसे रिपील कर देना, या अगर आपको याद हो ये वर्ड एनल है ना एनल कर देना, ये बच्चों इस पर ठीक से लिखा नहीं रहा पर मेरी आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं एनल कर देना ENUL होता है एनल कर देना रिपील कर देना एब्रोगेट कर देना मीन्स किसी कानून किसी अधिकार या समझौते को रद्द कर देना, दिस इज एब्रोगेट से
एब्रोगेशन बना। तो रेप्यूडिएट से क्या बना? रेप्यूडिएशन बना। रेसेंड रेसेंडिंग हो गया, एनल एनलमेंट हो गया, और काउंटरमैन भी वही होता है बच्चों। काउंटरमैन क्या होता है? जैसे कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और फिर उसी आदेश को वो पलट दे, तो कोर्ट ने क्या कर दिया? अपने आदेश को काउंटरमैन कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं जो आप देख लें। इसके आगे शायद वर्ड्स नहीं आपके पास हैं। हाँ, अब आपके पास एडिटोरियल है, तो इसका मतलब ये सारी वो वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे आप तैयार कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी वर्ड्स दिखा दे रहा हूँ, देख लें। तो इधर जो आपने वर्ड्स देखे बच्चों, वो वर्ड्स पहले थे आपके। अगली बार मैं एनिमेशन हटा दूंगा तो ये आपकी जो समय लग रहा वो नहीं लगेगा। एब्रोगेशन आपने पढ़ा बच्चों, एब्रोगेशन याद हो गया आपको। एब्रोगेशन निराकरण, निरस्तीकरण यहाँ पे होगा। निरस्तीकरण मीन्स किसी कानून, किसी अधिकार वगैरह को रद्द कर देना। ले डाउन आपने पढ़ा, मीन्स हार मान लेना भी होता है, स्थापित करना भी होता है। स्क्रूटिनाइज आपने पढ़ा, मीन्स किसी चीज के जांच पड़ताल करना, एक तरह से फिर से देखना। इनएविटेबल होता है, इनएविटेबल मीन्स जो चीज़ निश्चित हो। अनुरूपता यहाँ बच्चों पहले के लिखा गया, जो चीज़ निश्चित हो वो इनएविटेबल है, मीन्स इनडिस्पेंसिबल है, अनअवॉइडेबल है। फिर आपने कंसोनेंस पढ़ा, मीन्स जब लोगों के बीच में अनुरूपता हो, सामंजस्य हो, हारमनी हो, तो वो एक कंसोनेंस होता है, यूनिशन होता है। ग्रीवांस आपने पढ़ा, मीन्स शिकायत हो, कोई एट्रोसिटी, कोई अनजस्टिस हुआ हो। एग्जीक्यूटिव आपने पढ़ा, जो मैनेजरियल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मीन्स कार्यपालक होता है। फिर आपने क्वालापान पढ़ा, क्वालापान मीन्स आवाहन करना किसी का, ईश्वर का भी आप क्वालापान करते हैं। ज्यूडिशियल आपने पढ़ा, मीन्स जो न्यायिक होता है। और इनडेलिकेट आपने पढ़ा, जो रूखा या बेकार होता है, अर्थात जिसका व्यवहार डेलिकेट न हो, अर्थात जो खराब हो, असंगत हो, वो इनडेलिकेट होता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं और अब हमारे सामने है ये एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल आज का आपका है, देख रहे होंगे ये इनडेलिकेट इम्बैलेंस। इनडेलिकेट इम्बैलेंस यानी एक तरह से बेकार, खराब, इम्बैलेंस, असंतुलन की अवस्था, यानी एक ऐसा असंतुलन जो वास्तव में क्या है, इनडेलिकेट है, मीन्स सेंसिटिव नहीं बच्चों, इनसेंसिटिव है। कहीं कहीं लोगों के प्रति वो जो इम्बैलेंस है वो खराब है, अर्थात असंगत है, जिसमें किसी प्रकार की भावनात्मक कोमलता नहीं है। ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड कश्मीर, यानी किसके बारे में है? सुप्रीम कोर्ट पर है और कश्मीर पर है, यानी जो लेख है आपका ये इन पर लिखा गया है। बाई डिफरिंग, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया बच्चों, ये वर्ड आप देख लें, डिफर, ये डी ई एफ ई आर लिखा है मैंने। इंग्लिश बहुत अजीब है बच्चों, देखिए डी ई एफ ई आर देख लीजिएगा लिखा है। ये डिफर में पता है क्या होता है? किसी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना। लेकिन मैं फिर से डिफर लिख रहा हूं, ये है, और इसमें मैंने जोड़ दिया ई एन सी ई, डिफरेंस। पता है इसके मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स आदर हो जाता है। क्या हो जाता है? आदर। यानी डी ई एफ ई आर था, तो डिफर मीन्स क्या हो गया आपका? टालना, पोस्टपोन करना किसी चीज को। लेकिन उसी डिफर में आपने ई एन सी ई जोड़ दिया, पूरा अर्थ ही बदल गया और क्या हो गया? आदर, किसी के प्रति जो गहरा आदर होता है, रिवरेंस के सेंस में होता है, वो डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे मिलेगा वर्ड आपको ये। तो यहां डिफर में आई एन जी है, और जैसे ही आपने आई एन जी जोड़ा तो आर देखे क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, इस पर कभी हम आएंगे, जहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डबल आर क्यों हो गया, और बहुत सारे टीचर्स जो आपको समझाए होंगे बच्चों कि आर के पहले एक वावेल है इसलिए आर डबल हो गया, वो थियरी आपकी केवल 50% काम करेगी, लेकिन फिर कभी। बाई डिफरिंग अगेन, यानी दोबारा टाल कर, यानी दोबारा टाल कर किससे? इसको टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर, यानी कश्मीर में एग्जीक्यूटिव, कार्यपालक की बात को दोबारा टाल कर द एससी, ये यहां सब्जेक्ट है, यानी यहां डिफरिंग क्या है बच्चों आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। ठीक है, द एससी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इज एब्डिकेटिंग, वो पल्ला झाड़ रहा है, पीछे हट रहा है, नहीं निभा रहा है ज्यूडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज को नहीं निभा रहा है? याद हो गया, ज्यूडिशियल, न्यायिक प्रक्रिया को। फिर से देख,
by deferring again to the executive on Kashmir, ने कश्मीर पे जो एग्जीक्यूटिव का मसला है यानी जो कार्यपालक का मसला है उसे उस मसले को दोबारा टाल करके जो SSC है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है इज एबडिकेटिंग, वो त्याग रहा है, छोड़ रहा है जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज को, अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को। यानी पूरा आपका एडिटोरियल बच्चों कश्मीर पर और सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर को 2G स्पीड क्यों दी जा रही है। यानी एक ऐसे समय में जब पूरा देश 4G इस्तेमाल कर रहा है, 5G की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में आप जम्मू कश्मीर में क्या दे रहे हैं बच्चों, 2G दे रहे हैं, यानी सेकेंड जनरेशन की स्पीड आप दे रहे हैं, जबकि लोग फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन की स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर जब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूछा लोगों ने कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सरकार ने जवाब दिया कि वहां पे चूंकि टेररिज्म बहुत ज्यादा है और 4G स्पीड रहेगी तो इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम वहां 4G की स्पीड नहीं दे रहे हैं। और दुर्भाग्य कि SC ने भी इस मसले को एक तरह से क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव को सौंप दिया, अर्थात एक तरह से टाल दिया कि यह मसला किसका है, कार्यपालक का है, न कि हमारा है, वो लोग जांच करेंगे। यानी डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी एक तरह से ये एग्जीक्यूटिव को उन्होंने सौंप दिया ऑन कश्मीर, किससे, इसके मसले पर, कश्मीर के मसले पर, जो आगे पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे, जहां पे सरकार की अपनी दलील है और एडिटर जो है इस एडिटोरियल के उनकी अपनी दलील है। ठीक है, यानी पूरा ऐसे जो है ये 4G स्पीड के इर्द गिर्द, कश्मीर में टेररिज्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो शुरू करें बच्चों। बाई डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव ऑन कश्मीर, यानी कश्मीर के मसले पर, बाई डिफरिंग अगेन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी वो मसला टाल करके किसको दे देना, एग्जीक्यूटिव को दे देना, अर्थात वहां के कार्यपालक को दे देना। इस तरह से जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, इज एबडिकेटिंग जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से क्या हो रहा है, पीछे हट रहा है, छोड़ रहा है, उसे निभा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए करें, द सुप्रीम कोर्ट, देखिए संस्था है तो याद रख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज, जैसे ही आपने हैज देखा तुरंत समझ जाए वर्ब आपकी एक्शन वर्ब क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड, हिंदी बना ले आराम से, नहीं, सुप्रीम कोर्ट असफल हो चुका है, ये होगा ना बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में, सुप्रीम कोर्ट असफल हो चुका है टू डिस्चार्ज, निभाने में अ जुडिशियल ड्यूटी, क्या निभाने में, एक न्यायिक कर्तव्य, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक कर्तव्य को निभाने में क्या हो गया है, फेल, हैज फेल्ड, असफल हो चुका है, कौन सा जुडिशियल ड्यूटी बच्चों, इट वॉज कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म, जिस जुडिशियल ड्यूटी को इट वॉज कॉल्ड अपॉन, इससे आवाहन किया गया था टू परफॉर्म, कि वो इसमें अपनी भूमिका अदा करे, यानी अपनी जुडिशियल ड्यूटी निभाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इससे आवाहन किया गया था, इसे कहा गया था, लेकिन उस कर्तव्य में सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया है, असफल हो गया है टू डिस्चार्ज और जुडिशियल ड्यूटी, उस कर्तव्य को क्या करने में, निभाने में। ठीक है, समझ रहे होंगे बच्चों, करें इट्स डिसीजन, देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या लगाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इट्स, जब भी कोई संस्था वगैरह होती है सिंगुलर है तो उसका आप क्या प्रोनाउन लें, इट्स, कोई व्यक्ति है तो उसका क्या प्रोनाउन लें, हिज, कोई महिला है तो क्या प्रोनाउन लें, हर, और दो या दो से अधिक लोग हैं कुछ भी तो उनका क्या प्रोनाउन लें, देयर, ये होता है ना। देखें, इट्स अ डिसीजन, इसका निर्णय, कौन सा निर्णय, टू सेंड द क्वेश्चन ऑफ रीस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ रिव्यू टू द वेरी अथॉरिटीज हु इम्पोज्ड द रेस्ट्रिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस इज अ क्लियर एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
देखिए बच्चों हमेशा याद रखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। मीन्स कोई भी बड़ा कार्य करने में हमेशा कुछ समय लगेगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो धैर्य रखें, छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलें, छोटे छोटे वाक्य पढ़ें। कैसे? इट्स अ डिसीजन, इसका निर्णय। कौन सा निर्णय बच्चों? टू सेंड द क्वेश्चन, क्या भेजने का? प्रश्न भेजने का। कौन सा प्रश्न? ऑफ रीस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी। रीस्टोर मीन्स क्या होता है? पुनः स्थापित करना, फिर से बहाल करना। क्या फिर से बहाल करना? 4G कनेक्टिविटी। 4G कनेक्टिविटी को, यानी 4G कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने का, इसका जो प्रश्न भेजना था, कहां पर 4G कनेक्टिविटी बहाल करना? इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में। फॉर अ रिव्यू, वो प्रश्न किस लिए उसने भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? फॉर अ रिव्यू यानी पुनरावलोकन के लिए, पुनर्समीक्षा के लिए। और किसको भेजा? टू द वेरी अथॉरिटीज। जब भी नाउन के पहले बच्चों वेरी लगा हो तो तुरंत समझ जाएं कि ये वहां पर एडवर्ब नहीं है, ये वहां क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। और इसकी हिंदी नॉर्मली क्या हो जाती है? वेरी की हिंदी ठीक वही या ठीक उसी। मैं जानता हूं लेकिन दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक उसी या ठीक वही होता है। ठीक है, चलिए ये लाइनें फिर से देखें आप और छोटे छोटे अंशों में पढ़ना सीखें। करें इट्स डिसीजन, इसका निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, टू सेंड द क्वेश्चन ऑफ रीस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। समझ रहे होंगे, नहीं, जम्मू और कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी को रीस्टोर करने का इसका जो प्रश्न भेजना था, किस लिए प्रश्न भेजना था? फॉर अ रिव्यू, इसकी पुनर्समीक्षा की जाए। और ये समीक्षा कौन करेगा बच्चों? टू द वेरी अथॉरिटीज, वही अधिकारी करेंगे जिन लोगों ने इम्पोज्ड, थोपा था, लागू किया था द रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध को इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। इज, तो ये बात स्पष्ट है कि इज अ क्लियर एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से क्लियर एब्डिकेशन, पूरी तरह से अपना पल्ला क्या कर रहा है? झाड़ रहा है, अर्थात अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। मैं जानता हूं बच्चों आप नहीं समझ पा रहे, पता है यहां क्या कहना चाह रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, कौन सा निर्णय लिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि टू सेंड द क्वेश्चन ऑफ रीस्टोरिंग 4G कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, कि वो जम्मू और कश्मीर में जो 4G कनेक्टिविटी है उसे रीस्टोर करने का जो प्रश्न था, फॉर अ रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? फॉर अ रिव्यू, उसे पुनर्समीक्षा के लिए सेंड भेज दिया। और किनको भेज दिया? टू द वेरी अथॉरिटीज, उन्हीं अधिकारियों को भेज दिया हु इम्पोज्ड द रेस्ट्रिक्शन, जिन्होंने वहां पर प्रतिबंध लागू किया था, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान, यानी सबसे पहले जिन्होंने वहां पर प्रतिबंध लागू किया था, उन्हीं लोगों को, उन्हीं अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी सौंप दी। कौन सी जिम्मेदारी? टू फॉर अ रिव्यू, कि वो लोग इसका परीक्षण करें कि वहां पर 4G कनेक्टिविटी रीस्टोर क्यों नहीं की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का उन्हीं को वापस ये पूछना कि आप 4G कनेक्टिविटी क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं, किनसे पूछना? हु इम्पोज्ड द रेस्ट्रिक्शन, जिन्होंने वहां पर क्या किया था? रेस्ट्रिक्शन किया था, मीन्स प्रतिबंधित किया था। तो इज अ क्लियर एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से क्या हो रहा है? पीछे हट रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, इसका ये स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों आप। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे किसी पुलिस वाले ने क्या किया कि मर्डर किया, और फिर उसी पुलिस वाले को जांच दे दी गई कि भाई आप जांच करिए कि आपने मर्डर क्यों किया। सोच के देखिए, यानी यहां क्या कहना चाह रहे हैं एडिटर, कि जिन अधिकारियों ने हु इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन, जिन अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी को क्या किया था? रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित किया था, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न पूछा कि आप 4G कनेक्टिविटी को रिस्टोर
क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी आप समीक्षा करिए। यानी वो समीक्षा में क्या बताएंगे अधिकारी, वो समीक्षा में यही बताएंगे ना कि भाई हमारी मजबूरी थी इसलिए 4G कनेक्टिविटी वहां पर जारी नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैंडेट, वो अधिकार, यानी वो अधिकार दैट द कोर्ट इंजॉयज, यहां इंजॉयज में आनंद लेना नहीं बच्चों, यानी वो अधिकार जो कोर्ट को प्रदान किया गया, जो वो अपने अधीन रखता है, वो अधिकार जो उसे अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, यानी जो उसे संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिला है, किसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट को, वो अधिकार जिसमें वो टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, समझ सकते हैं बच्चों, जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। इन्फोर्स याद हो गया बच्चों, लागू करना। यानी फिर से देखें आप यहां से कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, द मैंडेट यानी वो अधिकार है, कौन सा अधिकार, दैट द कोर्ट इंजॉय, जो कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकार उसे कैसे मिला हुआ है, संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत मिला हुआ है, कौन सा अधिकार मिला है कि टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, कि वो मौलिक अधिकारों को क्या करा सकता है, लागू करा सकता है। अब यहां जोड़ें, वो मैंडेट यानी सुप्रीम कोर्ट को मिला वो अधिकार कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, पैसिव एक्शन नहीं किया जा सकता है टू द एग्जीक्यूटिव, किसको, किसी कार्यपालक को, है ना, कौन से कार्यपालक, जिनसे सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि वो क्या करें, रिव्यू करें, मीन्स पुनर्समीक्षा करें कि वहां पे 4G कनेक्टिविटी क्यों नहीं स्टोर हो रही। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं ऐसा करा रहा है बच्चों, यानी वो ये अधिकार किसको दे रहा है, एग्जीक्यूटिव को दे रहा है, जबकि उसके पास खुद ये अधिकार है टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, कि वह उन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इट इज क्वाइट स्टार्क, यानी बहुत ही घनघोर चीज है, यानी बहुत ही दुख की बात है, ये कठोर यानी बहुत अधिक कठोरता का प्रमाण है, दैट की द थ्री मेंबर बेंच, याद होगा थ्री मेंबर्स नहीं हो सकता है, कंपाउंड नाउन है, कि जो तीन सदस्यों वाली बेंच है, पीठ है, हैज रिसोर्टेड टू दिस मेजर, यानी उसने रिजॉर्ट किया बच्चों, उसने आश्रय लिया, सहारा लिया टू दिस मेजर, इस उपाय का, कौन से उपाय का बच्चों, कि उसने अथॉरिटीज को रिव्यू करने के लिए कह दिया कि आप इसका क्या करें, पुनर्समीक्षा करें, डिस्पाइट, किसके बावजूद, इसके बावजूद, देखिए आफ नहीं लगाना, इसके बावजूद कमिंग टू द कंक्लूजन, यानी इस निष्कर्ष पर पहुंचने के आने के बावजूद, दैट की द ग्रीवांस ऑफ द पेटिशनर्स, ग्रीवांस याद हो गया बच्चों आपको, ग्रीवांस शिकायत, ऑफ द पेटिशनर्स, पेटिशनर्स याद है आपको, शिकायतकर्ता, जो वादी होता है, जो याचिकाकर्ता होता है, वो पेटिशनर होता है, जो पेटिशन दायर करता है, पेटिशन मीन्स मुकदमा, याचिका। यहां फिर से देख लें बच्चों, कह रहे इट इज क्वाइट स्टार्क, यानी बहुत कठोरता की बात है, दैट की यानी बहुत दुख की बात है, दैट की द थ्री मेंबर बेंच, कि जो तीन सदस्यों वाली पीठ है, हैज रिजॉर्टेड टू दिस मेजर, कि उसने इस आश्रय का, इस उपाय का सहारा लिया, कौन सा उपाय, कि उसने उस वेरी अथॉरिटीज को रिव्यू करने को कहा, उसने इस उपाय का सहारा लिया, डिस्पाइट कमिंग टू द कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद, दैट की द ग्रीवांस ऑफ द पेटिशनर्स, कि जो याचिका कर्ताओं की शिकायत है, मेरिट्स कंसिडरेशन, वो कहीं के विचार करने के मेरिट्स योग्य है, यानी उनकी जो शिकायत है, ग्रीवांस है पेटिशनर्स की, उस पर कहीं कहीं विचार किया जा सकता है, विचार करने योग्य है, इसके बावजूद उस थ्री मेंबर बेंच ने हैज रिजॉर्टेड टू दिस मेजर, उसने इस उपाय का सहारा लिया, और कौन सा उपाय, कि ये मामला किसको भेज दिया जाए, किसको भेज दिया जाए, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक को भेज दिया जाए। समझ गए होंगे पैसे से बच्चों। अब हम एक चीज करते हैं बच्चों, क्या इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आप नहीं समझ पाए, जल्दी से देख लें, क्या इनडेलिकेट आपको याद हो गया, इनडेलिकेट
जो एक असंयमपूर्ण अर्थात एक तरह से गलत रूखा बेकार बिहेवियर होता है वो इनडेलिकेट बिहेवियर होता है। इम्बैलेंस याद हो गया आपको, असंतुलन आप बचपन जानते हैं, और डिफर याद हो गया टालना पोस्टपोन कर देना, एग्जीक्यूटिव जिसके पास अधिकार हो कार्य पालन कराने का, और एब्डिकेट, एब्डिकेट का शुद्ध मीनिंग होता है पद त्याग देना, ठीक है। तो यहाँ त्यागने के सेंस में, छोड़ देने के सेंस में ज्यूडिशियल न्यायिक रिस्पांसिबिलिटी आप जानते हैं, और डिस्चार्ज किसी चीज़ को निभाना होता है इस सेंस में। वैसे डिस्चार्ज मीन्स रिलीव करना भी होता है, जब हॉस्पिटल वगैरह किसी को रिलीव किया जाता है तो वो भी डिस्चार्ज करना होता है, लेकिन डिस्चार्ज और ड्यूटी मीन्स क्या होता है यू कैन अंडरस्टैंड, डिस्चार्ज और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य पालन करना। और कॉल अपान याद हो गया बच्चों आपको, कॉल अपान मीन्स आवाहन करना, इन्वोक करना, परफॉर्म जानते होंगे प्रदर्शन करना होता है, और कौन सा वर्ड इसमें जो आप देख लिए होंगे, रिव्यू पुनर्समीक्षा करना, पुनरावलोकन करना, अथॉरिटीज अधिकारी, और जब नाउन के पहले वेरी लगा है तो वही वाला सेंस आता है जहाँ पे वेरी एडजेक्टिव हो जाता है। इम्पोज लागू करना, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, और कोई एब्डिकेशन वही त्याग देने का कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं, मैंडेट जो आपको अधिकार प्रदान किया जाता है, स्पेशली जैसे नहीं कहते हैं सरकार को इस चीज़ का मैंडेट मिला है, मीन्स उसे अधिकार मिला है। फंडामेंटल राइट्स बच्चों, फंडामेंटल मौलिक अधिकार यहाँ देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इन्फोर्स लागू कराना, ट्रांसफर आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव याद हो गया आपको, स्टार्क कोई बहुत कठोर चीज़ जो हो, घनघोर हो, बहुत बुरा हो, वो स्टार्क होता है, और रिसॉर्टेड या रिसॉर्टेड मीन्स आश्रय लेना, सहारा लेना, मेजर उपाय डिस्पाइट आप जानते हैं आफ नहीं लगाइएगा, इन स्पाइट के साथ आफ लगाते हैं, कंक्लूजन आप जानते हैं निष्कर्ष, ग्रीवांश याद कर लें, शिकायत, पिटिशनर याचिकाकर्ता, और कंसीडरेशन मीन्स विचार, और मेरिट यहाँ वर्ब के रूप में बच्चों, यानी वो पिटिशनर्स की जो ग्रीवांश है, चूंकि सब्जेक्ट क्या था, ग्रीवांश था ना आफ के पहले, इसलिए मेरिट में क्या जोड़ दिया गया, यहाँ देखें एस जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका आगे का पैसेज है, देखें, द जजमेंट यानी जो निर्णय है इज इन कॉन्जोनेंस, वो बिल्कुल कॉन्जोनेंस अनुरूप है विद अ ज्यूडिशियल ट्रेंड, एक न्यायिक प्रवृत्ति के, यानी जो एक न्यायिकी न्यायिक प्रवृत्ति चल रही है, कौन सी प्रवृत्ति, दैट की, दैट सीक्स, सॉरी यहां दैट प्रोनाउन के रूप में है और सीक उसका वर्ब है, दैट सीक्स बैलेंस, जो न्यायिक ट्रेंड कहता है कि सीक्स बैलेंस, आप संतुलन बनाए रखो बिटवीन राइट्स, जो आपके पास अधिकार हैं एंड नेशनल सिक्योरिटी, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उनके बीच, यहां पर देखिए बिटवीन के साथ एंड है ना, यानी लेखक यहां व्यंग कर रहा है, समझ सकते हैं आप वो व्यंग क्या है बच्चों, समझिए देखिए वो व्यंग है कि द जजमेंट इज इन कॉन्जोनेंस विद अ ज्यूडिशियल ट्रेंड, यानी जो निर्णय है, जजमेंट है, इज इन कॉन्जोनेंस विद अ ज्यूडिशियल ट्रेंड, वो बिल्कुल एक न्यायिक जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, बिल्कुल उसके समरूप है, उसी के अनुरूप है, कौन सा ट्रेंड, दैट सीक्स बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, जिस ट्रेंड में ये माना जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आपके पास जो अधिकार हैं उनके बीच में क्या बनाकर चलो, एक बैलेंस, एक संतुलन बना के चलो, यह जजमेंट बिल्कुल उसी ट्रेंड के क्या है, इन कॉन्जोनेंस अनुरूप है। इन द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग होता है, यानी जम्मू और कश्मीर के प्रसंग में दिस अप्रोच, दिस अप्रोच ये जो दृष्टिकोण है, कौन सा दृष्टिकोण, कि आप निर्णय खुद न करें दूसरे पर ठाल दें, ये जो दृष्टिकोण है इनएविटेबली निश्चित रूप से रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स यहां क्या है, आपकी एक्शन वर्ब है, इसलिए यहां पे आपको एडवर्ब ऑफ व्हाट यू कैन से डिग्री के रूप में, मतलब बहुत निश्चित रूप से कह सकते हैं, मैनर के रूप में यूज किया उन्होंने, कह रहे दिस अप्रोच यानी ये जो अप्रोच है, ये दृष्टिकोण है, इनएविटेबली पूरी तरह से रिजल्ट्स परिणाम देता है, और हमेशा याद कर लीजिएगा रिजल्ट इन होता है बच्चों, जिस चीज का परिणाम दे वो रिजल्ट इन होता है, फिर से देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, करें इन द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्स्ट, यानी जम्मू और कश्मीर के प्रसंग में दिस अप्रोच, ये दृष्टिकोण इनएविटेबली रिजल्ट्स, निश्चित रूप से परिणाम देता है इन अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस, कि आपके अंदर पूरी श्रद्धा है,
अनक्वेश्चनिंग, जिस पर प्रश्न न उठाया जा सकता हो, जो अनऑब्जेक्शनेबल हो, अर्थात जिस पर प्रश्न न उठाया जा सकता हो, ऐसा आदर है, ऐसी श्रद्धा है टू एनी क्लेम, एक ऐसे दावे के प्रति, दैट जिस दावे को द एग्जीक्यूटिव मेक्स विदाउट स्क्रूटनाइजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम। मैं जानता हूं आप फंस रहे होंगे, देखें देखें फिर से करें, इन द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्स्ट, यानी जम्मू और कश्मीर के प्रसंग में दिस अप्रोच, ये जो सोच है, यानी इस प्रकार की सोच, इनएविटेबली रिजल्ट्स इन अनक्वेश्चनिंग डिफरेंस, ये एक तरह से उस सम्मान को प्रदर्शित करती है, उस सम्मान के रूप में परिवर्तित हो जाती है जो सम्मान टू एनी क्लेम, किसी भी क्लेम के प्रति आप दिखाते हैं, दैट कि द एग्जीक्यूटिव मेक्स विदाउट स्क्रूटनाइजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम, कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालक है, मेक्स विदाउट स्क्रूटनाइजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द क्लेम, कि वह किसी दावे की क्वालिटी या उसके नेचर को स्क्रूटनाइज, यानी उसकी जांच पड़ताल किए बिना ही मेक्स, यानी वह उस निर्णय, यानी उस क्लेम को मान लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने समझावा, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट, यानी जो न्यायालय है, हैज नॉट इवन परस्यूड, परस्यूड क्या होते हैं, परस्यूड मीन्स फिर वही लक्ष्य का पीछा करना, फॉलो करना, अनुसरण करना। द कोर्ट हैज नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट, यानी कोर्ट ने इतना प्रयास भी नहीं किया, इट मेड इन अनुराधा भसीन, जितना प्रयास इसने अनुराधा भसीन के केस में किया था, टू ले डाउन, किस चीज का प्रयास कोर्ट ने नहीं किया, टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स, कि एक नियमों को, मतलब नियमों का एक संग्रह, यानी कई सारे नियम स्थापित कर दिए जाएं, बाय विच, जिसके द्वारा अथॉरिटीज, वो अधिकारी हु आर सीकिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो अधिकारी मौलिक अधिकारों पर क्या करना चाह रहे हो, सीकिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाना चाह रहे हो, वो अधिकारी मस्ट एडहियर टू, याद ना, एडहियर टू फॉलो करना, मस्ट एडहियर टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो किस चीज के डॉक्ट्रिन को, किस चीज के सिद्धांत को फॉलो करें, प्रोपोर्शनलिटी, अनुरूपता के, यानी अनुरूपता के सिद्धांत को फॉलो करें वो अधिकारी, इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को जब वो खत्म करना चाहते हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को अ सेट ऑफ रूल्स क्या कर देना चाहिए था, ले डाउन, स्थापित कर देना चाहिए था। फिर से देखें, द कोर्ट हैज नॉट इवन परस्यूड द अटेम्प्ट, कोर्ट ने वो प्रयास भी नहीं किया, इवन मीन्स भी, वो प्रयास भी नहीं किया, इट, जो प्रयास इसने, यानी कोर्ट ने, मेड इन अनुराधा भसीन, जो प्रयास उसने अनुराधा भसीन के केस में किया था, कौन सा प्रयास नहीं किया उसने, टू ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स, कि वो कुछ नियम बना दे, बाय विच, जिन नियमों के द्वारा अथॉरिटीज, वो अधिकारी हु आर सीकिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि जो अधिकारी फंडामेंटल राइट्स पर क्या लागू करना चाहते हो, प्रतिबंध लागू करना चाहते हो, वो अधिकारी मस्ट एडहियर टू द डॉक्ट्रिन, वो अधिकारी उन कानूनों, उन नियमों का पालन करें, उस सिद्धांत का पालन करें, आप प्रोपोर्शनलिटी, जो सिद्धांत किस पर आधारित हो, अनुरूपता पर, समरूपता पर, आनुपातिक रूप से आधारित हो। ठीक है, इन दैट केस, इस अवस्था में, डिसाइडेड इन जनवरी, यानी सॉरी, इन दैट केस, यानी उस केस में, कौन से केस में बच्चों, अनुराधा भसीन के केस में, उस केस में, विच वॉज डिसाइडेड इन जनवरी, जो केस का निर्णय कब हुआ था, जनवरी में हुआ था, उस निर्णय में द कोर्ट रिफ्रेन्ड फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, बढ़िया है, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाएं, रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स बचना, दूर रहना, उस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने रिफ्रेन्ड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद देखिए टेकिंग है ना, आई एन जी प्रीपोजिशन के बाद, कोर्ट ने रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग एनी व्यू, कोर्ट ने कोई भी ऐसा विचार लेने से या रखने से मना कर दिया था, ऑन द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन ऑफ अ ब्लैंकेट कम्युनिशन लॉकडाउन, जब सर, मतलब उस
वैधता पर उसने अपना व्यू रखने से मना कर दिया था, जो वैधता किसकी थी, सरकार के उस लागू करने को लेकर की थी, ऑफ ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन, यानी पूरी तरह जब सरकार ने इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर में ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन पूरी तरह से संचार पर यानी संवाद पे क्या लगा दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था। याद होगा आपको बच्चों, जम्मू और कश्मीर में सारी संचार सेवाएं क्या कर दी गई थी, ठप कर दी गई थी। उस समय जब सरकार ने ऐसा किया था बच्चों, जब सरकार ने ऐसा किया था तो उसकी लीगैलिटी पर, उसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्रेन फ्रॉम, अपने आप को क्या रखा था, दूर रखा था। अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा उसने कहा था हमें 5 सप्ताह का क्या चाहिए, समय चाहिए। याद है ना आपको, वही यहां पे वो आपसे कह रहे हैं कि उसने इस चीज को मना कर दिया था। इन द वेक ऑफ, और उसने ऐसा क्यों किया था, इन द वेक ऑफ, परिणाम स्वरूप ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस, अर्थात जो विशेष दर्जा हासिल था enjoyed till then, जो उस समय तक enjoy किया जा रहा था, means उस अधिकार का पालन किया जा रहा था, by the erstwhile state, उस भूतपूर्व राज्य के द्वारा, erstwhile भूतपूर्व राज्य, याद है आपको ना, वो erstwhile state भूतपूर्व राज्य जो जम्मू कश्मीर था या कहीं कश्मीर था, वो उस विशेष दर्जे, कौन सा दर्जा याद है, 370 को क्या कर रहा था, enjoy कर रहा था। तो जब उसका abrogation हुआ था, अर्थात उसका निरस्तीकरण हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप जब सरकार ने ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन किया था, वहां पे संचार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई निर्णय देने से अपने आप को क्या रखा था, दूर रखा था, रिफ्रेन फ्रॉम किया था। ठीक है, यहां वर्ड्स आपके कुछ अच्छे हैं, मेन यही टारगेट रखें बच्चे, स्ट्रक्चर समझते चलें थोड़ा बहुत और वर्ड्स अपना आप बनाते चलें। अगर इस पैसेज में आपको वर्ड याद हो गए होंगे, कॉन्सोनेंस क्या हो गया, अनुरूपता याद हो गया आपको, ज्यूडिशियल या तो बिल्कुल याद हो गया होगा, न्यायिक को, ट्रेंड प्रवृत्ति को कहते हैं किसी आदत को, सीक तलाश करना किसी चीज को खोजना, और नेशनल सिक्योरिटी समझते हैं आप, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग हो गया आपका, अप्रोच यहां पर दृष्टिकोण, वैसे अप्रोच मीन्स पहुंच भी होती है, इनएविटेबली मीन्स निश्चित रूप से, अनक्वेश्चनिंग जिस पर प्रश्न न किया जा सके, डिफरेंस याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग DIEEF नहीं है बच्चों, ध्यान, DEFERENCE, आदर सम्मान, टू एनी क्लेम हो गया, एग्जीक्यूटिव याद हो गया कार्यपालक, स्क्रूटिनाइज याद हो गया जांच करना, क्लेम समझते हैं दावा होता है आपका, परस्यू किसी चीज को पीछा करना, लक्ष्य रखना, अटेम्प्ट आप जानते हैं प्रयास को कहते हैं, ले डाउन याद हो गया स्थापित करना यहाँ पर, और सेट ऑफ रूल्स नियमों, कई सारे नियम, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारी जो होते हैं, सीकिंग याद हो गया जो चाहते हों, इम्पोज याद हो गया थोपना, रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, एडहियर टू याद हो गया कल भी पढ़े थे आप, किसी चीज को फॉलो करना अनुपालन करना, डॉक्ट्रिन आपको याद होगा विवेकानंद जी के चैप्टर में पढ़ा था सिद्धांत, प्रपोर्शनलिटी अनुरूपता या आनुपातिक रूप से, और रिफ्रेन फ्रॉम बचना दूर रहना परहेज करना, और लीगैलिटी किसी चीज की वैधता, और इम्पोजिशन उसको लागू करना, थोपना क्या थोपना, ब्लैंकेट कम्युनिकेशन लॉकडाउन मीन्स पूरी तरह से संचार व्यवस्था पर पाबंदी जो कहां लागू की गई थी जम्मू और कश्मीर में, इन द वेक ऑफ परिणाम स्वरूप एब्रोगेशन किसी कानून अधिकार का निरस्तीकरण, स्पेशल स्टेटस विशेष दर्जा, और अर्स्टवाइल मीन्स भूतपूर्व या पहले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट पैसेज है, हाउ एवर जो भी हो, इट हेल्ड, इट किसके लिए है यहां पे, इट है आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट हेल्ड दैट, यानी इसने ये व्यवस्था बनाए रखी दैट की रिपीटेड रिजॉल्ट, यानी बार बार जो आश्रय है, सहारा है टू सेक्शन 144, यानी जो 144 यानी जो निषेध करने की धारा है, सेक्शन है ऑफ द CRPC, यानी CRPC की जो धारा 144 है, इसको जो बार बार सरकार क्या लेती है, इसका सहारा लेती है टू इम्पोज वाइड रेस्ट्रिक्शंस, जिसके द्वारा वो विस्तृत तौर पर प्रतिबंध लगा सकती है विदाउट टेरिटोरियल और टेम्पोरल लिमिट्स, बिना किसी क्षेत्रीय या अस्थाई सीमा के, वाज अनएक्सेप्टेबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार अगर आप इस धारा का सहारा लेते हैं 144 का, तो ये चीज क्या है,
वाज अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य है। आसान रहा ये लाइन आपकी, लेकिन फिर से देखें बच्चों, आप यहां देखें करें हाउ एवर जो भी हो, फिर से देख लें करें हाउ एवर जो भी हो, इट हेल्ड, इसने ये भी व्यवस्था बनाए रखी दैट की रिपीटेड रिजॉर्ट टू सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, कि अगर सरकार सीआरपीसी की धारा 144 को बार बार इसका सहारा लेती है टू इंपोज वाइड रिस्ट्रिक्शंस, यानी क्या करने के लिए, विस्तृत प्रतिबंध लगाने के लिए विदाउट टेरिटोरियल और टेम्पोरल लिमिट्स, किस चीज पर, बिना अस्थाई सीमाओं के, तो ये चीज क्या है, वाज अनएक्सेप्टेबल, ये चीज स्वीकार्य नहीं। ये किसने कहा, कोर्ट ने कहा, ठीक है। इट डायरेक्टेड द अथॉरिटीज, इसने अधिकारियों को निर्देश दिया टू रिव्यू ईच वन ऑफ देम, कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, ईच वन ऑफ देम, हर एक रेस्ट्रिक्शन की क्या करें, वो रिव्यू, पुनर्समीक्षा करें, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समझ रहे होंगे बच्चों, समय समय पर, ठीक है। ऐसा उसने आदेश दिया अथॉरिटीज को। इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान मामले में क्या हुआ, इट हैज आस्क्ड टू सेक्रेटरीज, इसने दो सचिवों से कहा, इन द यूनियन गवर्नमेंट, जो दो सचिव कहां पर हैं, केंद्र सरकार में हैं, एंड द जम्मू एंड कश्मीर चीफ सेक्रेटरी, और किससे कहा, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव से कहा, टू कंसीडर द केस, कि वो इस मामले पर विचार करें, मेड आउट बाय द पेटिशनर्स, जो केस किनके द्वारा लाया गया है, पेटिशनर्स के द्वारा, याचिकाकर्ताओं के द्वारा, फॉर रीस्टोरिंग 4G सर्विसेज, और याचिकाकर्ता वो केस किस लिए लाए हैं, ताकि वहां पर जम्मू और कश्मीर में 4G स्पीड को क्या किया जा सके, रीस्टोरिंग, फिर से बहाल किया जा सके। लाइनें भी आसान थे। द कोर्ट एक्नॉलेजेस, यानी कोर्ट ये मानती है दैट की इट माइट बी बेटर एंड कन्वीनियंट, यानी ये बेहतर हो सकता है और सुविधाजनक हो सकता है, टू हैव बेटर इंटरनेट फैसिलिटीज, कि क्या हो, अच्छी इंटरनेट की सुविधाएं हो, ड्यूरिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक, किस दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान, एंड अ नेशनल लॉकडाउन, और इस राष्ट्रीय बंदी के दौरान, यानी कोर्ट ये मानता है कि आपके पास, इन लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान और इस ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। इट आल्सो नोट्स, ये इस चीज पर भी ध्यान देती है दैट की द एंटायर यूनियन टेरिटरी, यानी जो पूरा केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी क्षेत्र है, हैज बीन पुट अंडर कर्व्स, इसे कहां डाल दिया गया है, पुट अंडर कर्व्स, प्रतिबंधों के अधीन डाल दिया गया है, दैट जो प्रतिबंध अलाउ वनली 2G स्पीड, जिन प्रतिबंधों के अधीन केवल क्या अलाउ किया गया है, कि वहां के लोगों केवल 2G स्पीड ही दी जा सकती है, ठीक है। ये आसान थी लाइनें बच्चों, पढ़ सकते हैं आप। इनमें कौन कौन से वर्ड्स आपने देख लिए, रिजॉर्ट मीन्स सहारा लेना, मीन्स आश्रय, सहारा सेक्शन समझते हो या धारा के सेंस में है, इम्पोज, फिर से देखिए तीसरी बार वर्ड याद आ रहा है ना, थोपना, लागू करना, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत बार पढ़ लिया आपने, प्रतिबंध, टेरिटोरियल क्षेत्रीय, टेम्पोरल अस्थाई, अनएक्सेप्टेबल आप समझते हैं, अस्वीकृत अस्वीकार्य, डायरेक्टर निर्देश दिया, अथॉरिटीज अधिकार, रिव्यू पुनर्समीक्षा करना, और कोई वर्ड, सेक्रेटरीज आप जानते हैं, इन्होंने केंद्र सरकार हो गया आपका, कंसीडर टू कंसीडर विचार करना, मेक आउट प्रस्तुत करना ले आना, पिटिशनर्स दूसरी बार पढ़ रहे हैं याचिकाकर्ता, रिस्टोर पुनः आरंभ करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, जब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है तो हम एक्नॉलेज करते हैं, किसी का प्रपोजल होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अपनी गलती होती है तो हम एडमिट या कॉन्फेस करते हैं, और कन्वीनियंट बढ़िया वर्ड है, सुविधाजनक, और कोई वर्ड, ग्लोबल पैंडेमिक ये वैश्विक महामारी, और कोई वर्ड, एंटायर संपूर्ण पूरा, जैसे एंटायर टेरिटरी मीन्स पूरा क्षेत्र, और कर्ब्स प्रतिबंध, समझ गए होंगे। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैसेज आपका होगा ये आपका देखें करें, हाउएवर जो भी हो, इट टेक्स इनटू अकाउंट, याद है टेक इनटू अकाउंट संज्ञान में लेना, और इट किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, इट टेक्स इनटू अकाउंट टू क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है
वो सरकार के द्वारा दो दावों को क्या करती है, टेक्स इनटू अकाउंट, संज्ञान में लेती है। कौन सा दावा? वन, पहला दावा क्या है, दैट की देयर आर्ट टू बी लिमिट्स। आर्ट टू समझते हैं बच्चों, जहां पे एक तरह से नैतिकता के सेंस में यूज किया जाता है, जहां चाहिए वाली भावना होती है आपकी मोरालिटी के सेंस में। देयर आर्ट टू बी लिमिट्स ऑन डेटा स्पीड, यानी सरकार ने पहली चीज में क्या कहा कि डेटा स्पीड की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, उसकी सीमा होनी चाहिए। किस लिए? टू प्रिवेंट टेररिस्ट, ताकि आतंकवादियों को रोका जा सके मिस यूजिंग इट। जो आतंकवादी उस डेटा स्पीड का क्या कर रहे हैं बच्चों, मिस यूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। टू डिस्टर्ब पीस एंड ट्रैनक्विलिटी, अर्थात शांति, दोनों में शांति, पीस एंड ट्रैनक्विलिटी को बढ़ाया गया, अर्थात शांति को डिस्टर्ब करने के लिए वो उस डेटा स्पीड का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। इसलिए आर्ट टू बी लिमिट्स ऑन डेटा स्पीड, इसलिए सरकार ने कहा कि वहां के डेटा स्पीड पर क्या होना चाहिए, कहीं कहीं कोई इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। एंड टू, और दूसरी बात सरकार ने क्या कही, आसान लाइनें हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं, दैट की देयर हैज बीन, देखिए बच्चों ध्यान से, अ स्पाइक सिंगुलर है ना, तो देयर के साथ हैज बीन लगाया गया। देयर हैज बीन अ स्पाइक इन इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, समझ सकते हैं, यानी दूसरी बात सरकार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में एक प्रकार की स्पाइक रही है, मीन्स एक प्रकार की बढ़ोतरी रही है। कैसे? कि 108 इंसिडेंट, अर्थात 108 घटनाएं हुई इन फैक्ट बिटवीन ऑगस्ट 5, 2019 एंड अप्रैल 25, 2020, यानी 5 अगस्त 2019 से 25 अप्रैल 2020 तक 108 आतंकवाद की घटनाएं वहां पर हुई हैं, ऐसा सरकार ने कहा इन द एरिया, उस स्थान पर। ठीक, समझ रहे होंगे आप। द कोर्ट आल्सो कंसिडर्ड, यानी कोर्ट ने यह भी विचार किया, रिसेंट इंसिडेंट, किन पर विचार किया, रिसेंट इंसिडेंट्स, जो हाल की घटनाएं हुई, इंक्लूडिंग द एनकाउंटर एट हंदवाड़ा, यानी जो हंदवाड़ा में अभी आपने पढ़ा होगा, जिनमें एक कर्नल, एक मेजर सहित 5 हमारे जवान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे बच्चों, इस घटना पर, इस एनकाउंटर पर जो हंदवाड़ा में हुआ था, उस मुठभेड़ पर भी उसने कई सारी घटनाओं को सहित क्या किया, उन पर कंसिडर किया, विचार किया। अ क्वेश्चन, एक प्रश्न, दैट की सॉरी एक प्रश्न दैट इट फेल्ड टू आस्क, यानी एक ऐसा प्रश्न जो कोर्ट पूछने में असफल रहा, किससे पूछने में, सरकार से। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न जो कोर्ट पूछने में असफल रहा, वो क्वेश्चन वाज, वो ये था क्या, कि हाउ दीज इंसिडेंट्स कुड बी लिंक्ड टू इंटरनेट स्पीड। कोर्ट को सरकार से पूछना चाहिए था, जो पूछने में असफल रहा, कि आप इन घटनाओं को इंटरनेट स्पीड से कैसे लिंक कर सकते हैं, लिंक याद है ना, कैसे जोड़ सकते हैं, यानी एक वो प्रश्न जो कोर्ट सरकार से पूछने में असफल रहा, कि आप इन घटनाओं को इंटरनेट स्पीड से कैसे जोड़ सकते हैं। व्हेन, जब ऑल ऑफ देम टुक प्लेस, जब ये सारी घटनाएं टुक प्लेस, घटी, वाइल सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर इन प्लेस, जब वहां क्या लागू था, सीवियर रेस्ट्रिक्शंस, अर्थात कठोर प्रतिबंध लागू थे, और ये घटनाएं उस समय घटी, तो फिर इन घटनाओं को आप इंटरनेट स्पीड से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछने में कोर्ट क्या रहा, असफल रहा। किससे पूछने में? गवर्नमेंट से पूछने में, जिसने दो तर्क दिए थे, याद है दोनों तर्क, एक कि हमें डेटा स्पीड को सीमित रखना चाहिए ताकि टेररिस्ट इसका मिसयूज न कर सकें वहां की शांति बहाली को डिस्टर्ब करने में, और दूसरा उसने कहा कि टेररिज्म में बहुत घटनाएं हुई टेररिज्म की, इसलिए भी उसने इसे 2G पे रखा हुआ है। विदाउट अ ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड, बिना एक न्यायिक स्टैंडर्ड के, टू स्क्रूटिनाइज क्लेम्स, यानी उन क्लेम्स की जांच करने के लिए बिना न्यायिक स्टैंडर्ड को बनाए, मेड, बिना बनाए, मेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी जो आपने किसके नाम पर यूज किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे किया, इज इट राइट, क्या ये सही है टू यूज देम, कि आप इस प्रकार के क्लेम्स करें, टू डिसलास फंडामेंटल राइट्स, जिससे आप फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है वहां के लोगों को,
उन्हें आप डिस्क्लास कर दें अर्थात उन्हें हटा दें उन मौलिक अधिकारों को, ये एडिटर पूछ रहे हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ, कह रहे हैं विदाउट अ ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड टू स्क्रूटनाइज क्लेम्स, यानी आपने उन क्लेम्स को क्या नहीं किया, स्क्रूटनाइज नहीं किया, कौन से क्लेम्स मेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किए थे, उन क्लेम्स की जांच किए बिना, इज इट राइट, क्या ये सही है टू यूज देम टू डिसलास फंडामेंटल राइट्स, कि आप उन मौलिक अधिकारों को क्या कर दें, डिसलास कर दें, हटा दें, क्या ये सही है। फर्दर दूसरी चीज इसके आगे, द इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो सरकारी भेदभाव है अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर, किसके खिलाफ, जम्मू और कश्मीर के खिलाफ, दैट दिस अप्रोच कॉजेज, जिसकी वजह से ये अप्रोच, ये दृष्टिकोण कारण बना हुआ है, वो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव इज नॉट टेकन इंटू अकाउंट एट ऑल, इसका तो कोर्ट ने क्या नहीं लिया, टेक इंटू अकाउंट, संज्ञान में ही नहीं लिया, उस पर तो उसने पूछा ही नहीं सरकार से। द डेलिकेट बैलेंसिंग, ये जो आप एक डेलिकेट बैलेंस बना के चल रहे हैं, अर्थात एक कहते हैं ना बराबर का संतुलन बना रहे हैं, कौन, द कोर्ट अटेम्प्ट्स, यानी जो सरकार, अरे कोर्ट है जो प्रयास कर रही है एक बैलेंस बनाकर चलने की, वो डेलिकेट बैलेंसिंग बच्चों इज इन फैक्ट, वास्तव में नो बैलेंस एट ऑल, वास्तव में वो डेलिकेट बैलेंसिंग नो बैलेंस एट ऑल, वास्तव में कोई संतुलन है ही नहीं। कोर्ट एक तरफ अपने राइट्स को बैलेंस कर रही है अर्थात सरकार से पूछ रही है, और दूसरी तरफ क्या कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने अधिकारों को यूज नहीं कर रही, मैंडेट का प्रयोग नहीं कर रही है। तो ये जो डेलिकेट बैलेंसिंग कोर्ट कर रही है वो बैलेंस वास्तव में नो बैलेंस एट ऑल, वास्तव में कोई बैलेंस है ही नहीं। इसमें देख लें आप कौन से वर्ड जल्दी से पढ़ें, रिविजन हो जाएगा आपको बच्चों। टेक इंटू अकाउंट याद हो गया, संज्ञान में लेना, क्लेम दावे और टेररिस्ट आप जानते हैं, मिसयूज समझते हैं, डिस्टर्ब आप जानते हैं, ट्रैंक्विलिटी भी शांति होती है, टू दैट देयर हैज़ बीन अ स्पाइक याद हो गया, उछाल, बढ़ोतरी, इंसिडेंट्स, घटनाएं, टेररिज्म आप जानते हैं, और कोई वर्ड आपका, कंसिडर, विचार करना, रिसेंट, हाल ही के, इंक्लूडिंग, शामिल करके, एनकाउंटर याद होगा, वैसे भी जानते हैं, आमना सामना, मुठभेड़, फेल्ट वाज दिस कुड बी लिंक्ड इन स्पीड हो गया आपका, रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, सीवियर, कठोर, ज्यूडिशियल, न्यायिक, स्टैंडर्ड आप जानते होंगे, मानक, स्तर को आप कहते हैं किसी चीज के, स्क्रूटनाइज याद हो गया, जांच करना, डिसलास हटा देना, फंडामेंटल राइट्स याद हो गया, मौलिक अधिकार, फर्दर इसके आगे और दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी संस्थागत भेदभाव अर्थात सरकारी भेदभाव, अप्रोच दृष्टिकोण, टेक इनटू अकाउंट याद हो गया, संज्ञान में लेना, डेलिकेट कोमल, बैलेंसिंग संतुलन, अटेम्प्ट प्रयास करना, ठीक है, एट ऑल, नो एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं, जैसे वट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कहते ना आप ऐसे ही। चलिए और ये वर्ड्स आपके हैं, जल्दी से देख लें बच्चों, ये जो मैं एक बीड़ा उठाया हूं कि आप ये वर्ड्स जल्दी से तैयार कर लें, आप चाहें तो सारे वर्ड्स याद कर लेंगे, इनडेलिकेट याद हो गया, मीन्स गलत, यहां बुरे के सेंस में, खराब के सेंस में, इम्बैलेंस असंतुलन, डिफर टालना, लेकिन ई एन सी जोड़ देंगे, डिफरेंस में सम्मान हो जाता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक, जो कार्य कराता है, एब्डिकेट त्याग देना, न निभाना, छोड़ देना, ज्यूडिशियल न्यायिक समझ सकते हैं, डिस्चार्ज यहां पे निभाने के सेंस में, कॉल अपॉन मीन्स आवाहन करना, इन्वोक करना, रिव्यू मीन्स पुनर्समीक्षा करना, रिव्यू से बना, इम्पोज याद हो गया, थोपना, लागू करना, मैंडेट जो आपको अधिकार दिया गया होता है किसी की तरफ से, वो मैंडेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन याद हो गया, संविधान, एनफोर्स लागू करना, अस्तित्व में ले आना, स्टार्क घोर या कठोर, रिजॉर्ट आसरा सहारा, मेजर उपाय, ग्रीवांश शिकायत, कंसिडरेशन विचार, पिटिशनर याचिकाकर्ता वादी, कंजोनेंस अनुरूपता, हार्मनी को कह सकते हैं, सीख चाहना तलाश करना, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग को कहते हैं, अप्रोच दृष्टिकोण,
इनएविटेबली निश्चित रूप से डिफरेंस हो, यहाँ पे सम्मान आदर, स्क्रूटिनाइज हो जांच करना पड़ताल करना, परस्यू यहाँ पे अनुसरण करना किसी चीज़ को, वैसे यहाँ पी यू आर सी भी हो सकता है, ले डाउन स्थापित करना, वैसे ले डाउन मीन्स समर्पण करना भी होता है, सरेंडर करना, डॉक्ट्रिन कोई सिद्धांत कोई टिनेट, प्रोपोर्शनलिटी अनुरूपता, रिफ्रेन बचना परहेज करना, लीगैलिटी वैधता, ब्लैंकेट पूरी तरह से खाली बिल्कुल, इन द वे का परिणाम स्वरूप, अर्स्टवाइल भूतपूर्व, यहाँ ब्लैंकेट में जानते हैं कि कंबल भी होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, टेरिटोरियल मीन्स क्षेत्रीय टेरिटरी से संबंधित, डायरेक्ट निर्देश देना, मेक आउट प्रस्तुत करने के सेंस में यहाँ पर यूज किया गया है, सामने ले आना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, कन्वीनियंट सुविधाजनक, ट्रैंक्विलिटी शांति और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ठीक है बच्चों, ये प्रयास है मेरा, लेकिन एक प्रयास और मैंने यहाँ किया है बच्चों देख लें आप, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये मैंने उन बच्चों के लिए किया जो कहते हैं सर वर्ड्स तैयार नहीं होते हैं, उनके लिए मैंने मेहनत की अपनी, और ये सारे वर्ड्स देखे मैंने क्या किए बच्चों, सब मैंने एक सिस्टम बनाया, देखिए कैसे, जैसे प्रपोर्शनल है ठीक है, आपको नहीं याद हो रहा है तो मैंने हिंदी तो लिखा ही, मैंने इसे हिंदी में इस वर्ड को यूज कर दिया ताकि जो बच्चे कमजोर हो इसे ऐसे याद करें, जैसे मैनेजर इस प्रपोर्शनल इंक्रीज से खुश नहीं था, अर्थात मैनेजर इस अनुपातिक बढ़ोतरी से खुश नहीं था, ऐसे बोलें। एब्रोगेशन आपको याद नहीं हो रहा है तो कैसे बोलें, इस संधि के एब्रोगेशन से लोग संतुष्ट नहीं है, अर्थात इस संधि के निरस्तीकरण से लोग खुश नहीं, निराकरण से खुश नहीं है। अर्स्टवाइल आपको याद नहीं हो रहा है तो इसके मीन्स भूतपूर्व, अर्थात वे दोनों अर्स्टवाइल एनिमीज थे, अर्थात वो भूतपूर्व शत्रु थे, अर्थात पहले के वो क्या थे, शत्रु थे। ऐसे मैंने इशारे शब्द क्या किए, मैंने हिंदी इंग्लिश में यूज किए ताकि आप बोल करके तैयार कर लें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हैं, और आगे और भी हैं ये भी देख लें आप, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दोबारा यहाँ ना आना पड़े, इस तरह देखिए ये मैंने मेहनत किया बच्चों अपने से बना करके, वर्ड्स की मीनिंग भी लिखा और सेंटेंसेस में वो शब्द यूज़ किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदी हमारी ताकत है, तो हिंदी में वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करें बोलें अपनी लाइफ में तो याद हो जाएगा आपको। देखिए सारे यहाँ तक हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपकी आसान हो जाए, ठीक है, फिर हम विदा लेते हैं बच्चों, अगले सेशन के लिए खुश रहें हमेशा, अपना ध्यान रखें इस लॉकडाउन में ताकि हर चीज़ से आप अपनी मुसीबतों से बच सकते हो, ठीक है, खुश रहें हमेशा।